सभी जब अंधेरे भटक रहे जिंदगी में, है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में, हैरानी बीत जाए दिन, हैरानी में बीत जाए दिन, पल पल सपने हो सके ना तुम, रुक गए सारे सपने, सपने हो सके ना अपने, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, चाहो तो आओ हाथ बढ़ाओ, आज ढूंढ लो सुबह, नहीं सुबह, नहीं सुबह, नहीं सुबह। अपने जिंदा रहने की जरूरत पूरी करने के लिए हर रोज कितनी ही लड़कियां और औरतें दूसरों के घरों में जाकर मेहनत मजूरी करते हैं। अशिक्षा के अंधेरे में उन्हें तरह तरह की सामाजिक प्रवंचनाओं का शिकार होना पड़ता है और वो अपना आत्मविश्वास खोने लगती हैं और उनके सपने बिखरने लगती हैं। लेकिन संध्या और कल्पना इस हालत से निकलने की कोशिश की थी। शिक्षा की रोशनी में उन्हें नजर आई एक नई सुबह। संध्या दीदी माँ कब आएगी? अभी आएगी बेटे, तुम पहले जल्दी से दूध पी लो। नहीं मन नहीं कर रहा है। दूध पी लो वरना मैं नाराज होंगी। तो तुम ही दूध पी लो। मैं क्या दूध पीती हूँ? क्यों? मैं क्या तुम्हारी तरह छोटी हूँ जो दूध पीऊंगी? तो फिर मैं कब बड़ी होंगी? जितनी जल्दी दूध पी लोगी उतनी जल्दी बड़ी हो जाओगी। अब तुम पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। ओह, तभी तो मैं कहूँ मेरी बेटी दिन पर दिन सूख क्यों रही है। क्या कहती हो भाभी? क्या कहती हो भाभी? क्या बच्चे हो? रंगे हाथों पकड़ी गई लेकिन शर्म नहीं आती, कोई पछतावा नहीं। आप क्या कह रही हो भाभी, मैं सच्ची समझ नहीं पा रही। अरे जन्म जली, अपनी आँखों से देखा मीनू का दूध पी गई और जबान लड़ाती है। बात क्या है, घर में इतना शोरगुल क्यों? देखो ना बाबा, मैंने दूध पी लिया पर माँ फिजूल दीदी पर गुस्सा करती है। अपनी आँखों से मीनू के ग्लास से उसे दूध पीते देखा है। क्या, मैं तो संध्या को शरीफ लड़की समझता था। सच तो ये है, रोज मीनू को दूध पिलाते समय झूठ मूठ मुझे नाटक करना पड़ता है, नहीं तो ये बिल्कुल दूध नहीं लेती। ये तो तुम मुझे बोल सकती थी। आपने बोलने का मौका ही कब दिया। ठीक है ठीक है, दिन भर के बाद ऑफिस से लौटा हूँ, तुम जरा चाय लेके आओ। तो
दीदी देखो मैंने ये कितना सुंदर बनाया है। वाह कितना सुंदर बनाया। अब तुम कुछ और बनाओ। वाह कितना सुंदर फूल है, मुझे भी सिखा दोगी? ए संध्या क्या हो रहा है यहाँ? तुझे बोला था ना कपड़े धोने के लिए। कपड़े तो धो चुकी भाभी। कपड़े धो चुकी है तो यहाँ क्या कर रही है? मीनू को हर वक्त परेशान किए बिना तुझे चैन नहीं आता है? माँ माँ मैं दीदी से ड्राइंग सीख रही हूँ। ड्राइंग सिखाएगी? वो क्या पढ़ी लिखी है, स्लेट पेंसिल क्या समझेगी? हे माँ दीदी पढ़ना लिखना नहीं जानती, छी छी दीदी पढ़ना लिखना नहीं जानती, दीदी पढ़ना लिखना नहीं जानती। ए कल्पना इस वक्त स्लेट पेंसिल लेकर कहाँ चली? इस उम्र में स्कूल जा रही है क्या? स्कूल नहीं साक्षरता केंद्र। वो क्या है, वहाँ क्या होता है? वहाँ हमें पढ़ना सिखाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ओ ऐसा, तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है? वही तो, वहाँ गुप्ता जी के घर के नीचे बड़े अक्षरों में लिखा है, तुमने देखा नहीं? मैं क्या पढ़ सकती हूँ? हाँ ये बात तो है, पर जब लिखना पढ़ना नहीं जानती तुम भी वहाँ जाओ, कुछ तो सीख जाओगी। यही है मोनिका दीदी, इनसे ही पूछ कर देख लो ना। क्या बात है कल्पना, क्या कह रही हो? दीदी देखो ये संध्या मिश्रा जी के घर काम करती है। ओ मिश्रा जी के घर? हाँ तो तुम्हारा गांव कहाँ है? वो काफी दूर है, दक्षिण 24 परगना पाथर प्रतिमा। तुम तो शादीशुदा दिखती हो, तुम्हारा पति कहाँ रहता है? वो दूसरी के साथ रहता है, मेरे साथ नहीं दीदी। बहन तुम दिल छोटा मत करो, इससे अच्छा है साक्षरता केंद्र में आओ, पढ़ लिख कर अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा दुख दूर होगा। शाम के टाइम सिर्फ एक घंटा। भाभी मुझे नहीं छोड़ेगी दीदी। क्यों नहीं छोड़ेगी? मैं भाभी को बोलूंगी। नहीं नहीं झूठ मूठ झंझट बढ़ेगा। अच्छा ठीक है अब मैं चलती हूँ, तुम्हें अगर जरूरत हो तो मेरे पास आना। क्यों ठीक है कल्पना, तुम चलो मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है मीनू को लिखाई पढ़ाई के अलावा और भी कुछ सिखाना होगा, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मीनू का गला बहुत सुरीला है, कितना सुंदर नाचती है, उसे कुछ न कुछ सिखाना ही होगा, मेरी कब से इच्छा है। हाँ समझ गया, लेकिन हर रोज उसे लेके आएगा जाएगा कौन? संध्या तो यहाँ के रास्ते अभी तक पहचान भी नहीं पाई कायदे से। कभी जानेगी भी नहीं, बिल्कुल बेकार है। और फिर मैं नहीं चाहती मीनू उसके साथ घुले मिले, उस औरत को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये तो बहुत ज्यादती है तुम्हारी, वो लड़की कितनी भली है शरीफ है। बड़ी शैतान है, न जाने कब क्या कर बैठे। बस ठीक है, अब ये कहो मीनू को स्कूल से कौन लाएगा? क्यों मैं नहीं चाहती उस गवार के साथ मीनू ज्यादा वक्त बिताए, अपनी बेटी एकदम बिगड़ जाएगी। भाभी भाभी एक बात पूछूं? अच्छा शाम को मुझे ज्यादा काम नहीं रहता, एक घंटे की छुट्टी देंगी? अभी कोई काम नहीं है, पर जब होगा तब। नहीं नहीं जब होगा तब नहीं जाऊंगी, आज रास्ते में एक सहेली मिली थी वो कह रही थी। अच्छा ठीक है पर घूम फिर के सही वक्त पे लौट आना, ठीक है? तुम तो यहाँ के रास्ते भी अभी कायदे से पहचान नहीं पाई हो ना, समझती हो ना, तुम्हारा जिम्मा भी मेरे ऊपर है। अच्छा जाओ। इसे कहते हैं तकदीर, हम परेशान हो रहे थे और उसी ने हल निकाल दिया। कुछ भी कहो मैं इस गंवार लड़की के भरोसे पूरा घर छोड़कर नहीं बैठ सकती। तुम अपने सिवा और कुछ भी नहीं सोचती, एकदम नहीं। तो फिर आज का विषय है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है?
कैसे दूषित होता है, उस प्रदूषण को कैसे रोकना है, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब सब अपनी किताब का नवा पन्ना खोलें। खोल लिया? अब मैं जो कुछ बोलूंगी आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? पर यम या की मात्रा या पर्या वरण पर्यावरण कम या लगा के क्या पर्यावरण क्या है पर्यावरण क्या है। अरे संध्या, मैं भी पढ़ने आ गई दीदी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बैठो बैठो, इसको जरा बैठने की जगह देना, तो यहाँ बैठो। तुम ये किताब खोल के सब लोग जो पढ़ेंगे वही पढ़ो। तो फिर पर्यावरण क्या है? मामे ई मामे ई मामे ई कमे ई टी सबको मिला के हुआ हमारा पर्यावरण। देखो ना, संध्या दीदी ने कितना सुंदर लिखा है। ओ माँ, देखो संध्या दीदी ने लिखा है। तुझे कितनी बार कहा है, काम काज छोड़कर इसे परेशान मत किया कर। भाभी मीनू ने ऐसे पुकारा कि आए बिना रहा नहीं गया। आए बिना नहीं रहा गया, उधर बर्तन पड़े उन्हें कौन धोएगा? बर्तन धो दिए हैं भाभी। वो जैसे ही बर्तन रसोई में रखकर झाड़ू लगाने वाली थी कि मीनू ने बुलाया और तुम दौड़ी दौड़ी आ गए। मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। तुम अगर दीदी को इस तरह डांटोगी तो फिर मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगी। छी मीनू, बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रही है। बस बस रहने दे, पीठ पीछे हमारी बदनामी करती है और अब भली बनती है। चुप हो जा नीच कहीं के। कौन नीच है, माथे पे नहीं लिखा होता है भाभी, बर्ताव से पता चलता है। फिर मेरे मुंह लगते हैं तू? आने दे तेरे भैया को आज जरा। नहीं नहीं, तुम्हारी हर बात मैं नहीं मान सकता। मीनू को तो संध्या ठीक ही संभालती है। तो ये बात है, मुझसे ज्यादा अब उस औरत पे भरोसा है ना तुम्हें? देखो, उसे हमारे पास जिसने भेजा था ना, उसे मैं जानता हूँ, कलकत्ता ऑफिस का प्यून है। बचपन में संध्या ने माँ बाप को खो दिया, शादी के बाद पता चला पति शराबी है, पहले ही दो शादियां कर चुका है। रहने दो, और दुखड़े सुनाने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी उसकी संगत में रहकर मुझसे जुबान लड़ाने लगी है। कल मेरा इतना अपमान हुआ, उस पर भी तुम उसे भली कहते हो? देखो, मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूँ, मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन कैसा है, पर मुझे संध्या को देखकर कभी नहीं लगा कि उसके मन में कोई बुराई है, असभ्य या बदतमीज है। हाय, क्या मेरी तकदीर में यही था? उसने तो मेरे पति बेटी सबको वश में कर लिया है। कल ही मैं उसे भगा दूंगी। कि तुमने क्या शुरू कर दिया, पढ़े लिखे होकर भी क्या फायदा हुआ तुम्हें? तुम्हारा ये बर्ताव मीनू देखे वो क्या सीखेगी, कभी सोचा है? मुझे सोचने को कह रहे हो? मेरी हालत के बारे में कभी तुमने सोचा है? ऐसा मत कहो मुझे, मुझे अक्सर टूर पे रहना पड़ता है दिन पर दिन, लेकिन मेरा मन यही रहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो। संध्या है तभी मैं थोड़ा सा निश्चिंत रह पाता हूँ।
सिर्फ संध्या संध्या संध्या। माँ माँ मेरी स्लेट मुझे नहीं मिल रही है। तो अब तेरी दीदी को नहीं बोल सकती ढूंढने के लिए? वो तो जरूर खा पी के सो रही होगी। संध्या, ए संध्या, क्या हुआ भाभी? ये क्या है? ये तेरी पोटली में गई कैसे? छी छी छी, एक बच्चे की स्लेट चुराते तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? बोल बोल, और क्या चोरी किया है? जल्दी बता, नहीं तो अभी पुलिस बुलाती हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की भाभी, और इसलिए ये मेरी है। चोरी करती है और बेशर्मों जैसा जवाब देती है? ठहर, आज तुझसे निपट के रहूंगी, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। नहीं दीदी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छी बच्ची बन के रहना। रहने दे, और नाटक करने की जरूरत नहीं, जा बाहर निकल। माँ तुम दीदी को मत जाने दो। चलती हूँ भाभी। क्या हुआ, इतनी रात गए यहाँ पर? बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ दीदी। वो भाभी ने चोरी का इल्जाम लगा के मुझे निकाल दिया है। छी 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 छी। दीदी क्या करती, कहाँ जाती? इसलिए सीधी आपके पास चली आई। बहुत अच्छा, जब तक तुम्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती तुम मेरे पास रहो। पर हाँ, लिखना पढ़ना तुम्हें जारी रखना ही पड़ेगा। तो कोई एक काम तो ढूंढना ही होगा दीदी। उसकी तुम फिक्र मत करो। अच्छा तुम तीसरे पार्ट तक पढ़ी हो, है ना? ठीक है, हमारे यहाँ कुछ दिनों में एक नया पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, उसमें तुम कोई एक काम सीखकर फिर अपना एक उद्योग शुरू कर देना। मैं सकूंगी दीदी। जरूर करोगी, हम तुम्हें सिखा देंगे। उद्योग शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, कहाँ मिलेंगे दीदी? उसकी तुम चिंता मत करो, अब नए साक्षरों के लिए कर्ज की बहुत सुविधा है, कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। माँ आ माँ, माँ माँ आ माँ, माँ माँ मामा, माँ माँ मामा, र आ म राम, र आ म राम, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ, हमारी माँ,
अंजलि, अंजलि, मेरा आफ्टर से लोशन कहाँ गया? देखती हूँ। सुनो जरा, ये देखो, यूनिकी स्लेट यहाँ खिलौनों के बीच पड़ी थी। खामखा संध्या को बदनाम करके भगा दिया। ची 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 ची। सच्ची, मुझे इतना बुरा लग रहा है। देखो दीदी, कैसा बना है? वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है। बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं दीदी, इसे मैंने मीनू बिटिया के लिए बनाया है। उसकी मुझे बहुत याद आती है। दीदी, मैं तो वहाँ जा नहीं सकती। आप ही जाके ये फ्रॉक दे आओगी? नहीं, ये नहीं होगा। तुमने इतनी मेहनत और कुशलता से इसे बनाया है, इसलिए तुम खुद वहाँ जाकर उसे अपने हाथों से देकर आओ। भाभी, मैं मीनू के लिए एक चीज लाई हूँ, उसे एक बार देख के चली जाऊंगी। क्या हुआ भाभी? तेरी मीनू बहुत बीमार है। अभी डॉक्टर को ना बुलाया तो मैं अब क्या करूँ? मैं अभी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। नहीं नहीं, फैमिली डॉक्टर को ही बुलाना होगा। दोस्त है तेरे भैया का, यहाँ नया आया हुआ है, लेकिन तेरे भैया कितने दिनों से टूर पे है। आप उनका पता दे दीजिए, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। किसी पढ़े लिखे को साथ लेकर जाना। जा, जल्दी जा। डॉक्टर मनोहर चौधरी, 206 समिति लेन। मैं अभी लेके आती हूँ भाभी। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मैं दवा लिख दे रहा हूँ, बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। माँ, दीदी आई है। माँ देखो, दीदी आई है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी दीदी शायद जान गई थी तुम बीमार हो, इसलिए अपने आप चली आई। देखो मीनू, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ओ माँ, कितनी सुंदर फ्रॉक है, मैं इसे अभी पहनूंगी। क्या बात है अंजलि? डॉक्टर मैंने मीनू को क्या हुआ? जानते हो, आज अगर संध्या न होती मीनू का न जाने क्या होता। क्यों? जानते हो, हाँ। संध्या खुद पता पढ़कर डॉक्टर को ले आई, वह अब पढ़ लिख सकती है। अच्छा, सच? संध्या, मुझे माफ कर दे बहन। तू पढ़ना सीखने जाती थी और मैंने क्या समझ लिया। शुक्र है तू साक्षर हो गई। नहीं नहीं, पुरानी बातें जाने दीजिए। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, संध्या बहुत भली लड़की है। मेरी बात सच हुई ना आखिर? सभी
जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में है सभी जब अंधेरे में भटक रहे जिंदगी में हैरानी में बीत जाए दिन